हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शर्मा दोस्तों, और आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट। बेसिकली दोस्तों आप सभी की ये डिमांड रही थी और आप सभी के ये क्वेश्चंस भी रहते थे कि भैया को ये ऐसा माइक्रोफोन दिखाइए, वायरलेस माइक्रोफोन में दिखाइए जो कि बैटरी कम खाए, यहाँ पे बैटरी लाइफ ज़्यादा हो, साथ में क्वालिटी हो, यहाँ पे प्राइस भी उसका दाम यानी प्राइस उसका कम हो, साथ में जो डिस्टेंस है उसकी यानी रेंज है वो और ज़्यादा मिले, साथ में वारंटी गारंटी के साथ आए, वारंटी नहीं गारंटी के साथ आए और यहाँ पे ख़राब हो जाए हम आसानी से उसको ठीक भी करा पाएँ। तो लीजिए दोस्तों, ये आता है एनलैक्स की तरफ से, यहाँ पे U1 माइक्रोफोन ड्यूल हैंड है। यहाँ पे देखते हैं इस माइक्रोफोन को क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी परफॉर्मेंस, और वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस बॉक्स पैकिंग पे क्या क्या डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अभी देख सकते हैं एनलैप्स की ब्रांडिंग है, यहाँ पे ब्रांड लोगो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है दोस्तों, जो इसका माइक्रोफोन का मॉडल नंबर है, इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी कैटेगरी हैं जिनके बारे में लास्ट में बता दूंगा। तो ये वाला है U1 के नाम से, और UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोफोन हम इसे कहते हैं। यहाँ पे डिटेलिंग दोस्तों आपको मेंशन कर रखी है, UHF 7030 से लेके 950 मेगाहर्ट्ज़ बैंड पे काम करता है, बहुत सारी सी डिटेल है उसके बारे में जानेंगे। चलते हैं अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम अनबॉक्स करते हैं, और यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का लॉक सिस्टम आपको मिलता है पैकिंग के अंदर, और देखने में काफ़ी हैवी पैकिंग मुझे देखने में लग रही है। ऊपर से कल दोस्तों यहाँ पे आपको एक थर्माकोल मिल जाता है जो कि इसकी सेफ्टी प्रोटेक्शन करता है। तो इस सेक्शन को हम हटाते हैं। यहाँ पे दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मुझे इस सेक्शन के बाद यहाँ यानी माइक्रोफोन का जो रिसीवर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। देन यहाँ पे इस सेक्शन के बाद हटाने के बाद आपको ये माइक्रोफोन एक्सेसरीज और माइक्रोफोन देखने को मिल जाते हैं। कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है दोस्तों, चलते हैं मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे रिसीवर को, रिसीवर पर आपको एनलैप्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यह आता है दोस्तों ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन, इसको मैं ऑन करता हूँ तो 2 सेकंड के लिए आपको दबा के रखना है। यहाँ पे आप वॉल्यूम्स में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको LED का काम होता हुआ देखने को मिलता है। तो बाय चांस अगर रात में आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कलरफुल डिस्प्ले है, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी, ऑडियो फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पे एंटेना आपको देखने को मिलता है। यहीं दोस्तों अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये UHF यानी एक्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर दोस्तों सेंसर लगा है। यहाँ पे बाई चांस अगर आपके माइक्रोफोन का सिग्नल लॉस होता है या फिर ये फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर पाए तो आप यहाँ पे IR सेंसर के द्वारा इसको मैच कर सकते हैं। तो ये IR सेंसर आपको मिल जाता है। यहीं दोस्तों अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे आ जाता है Display 2, यहाँ पे हमारा ये Channel 2 का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस टाइप से। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे डिस्प्ले की, और यहाँ पे डिटेलिंग आपको सारी मिलती है। यहीं देख सकते हैं अप एंड डाउन यानी फ्रिक्वेंसी, आप अप एंड डाउन इससे कर सकते हैं, और एक्ट का मतलब ये यहाँ ये बीच वाला ऑप्शन आपको यूज में देखने को मिल जाएगा। आप सीधे माइक्रोफोन लाइए और यहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा। पर ये Channel 2 का आपको ये वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। U1 इसका मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आ जाता है हमारा रिसीवर, और दोस्तों ये आता है रिसीवर के बैक साइड एनलैप की, यहाँ पे भी आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। सीरियल नंबर आपको दोस्तों यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट में मेंशन रहेगा एनलैप के। यही दोस्तों आप देख सकते हैं ये आते हैं आउटपुट सेक्शन, तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर चैनल के लिए XLR से भी आउटपुट ले सकते हैं। आप चाहे दोनों का मिक्सड आउटपुट चाहिए लेकिन ये अनबैलेंस्ड होगा तो ये आपको TS के अंदर मिलेगा। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस माइक्रोफोन को, और माइक्रोफोन की क्वालिटी आपको कैसे मिलती है वो मैं आपको डिटेल लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं ये आती है एनलैप्स की, आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं U1 इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है, ये आता है रबराइज्ड बटन। बेसिकली दोस्तों ये रबराइज्ड बटन का कहने का मतलब ये है कि ये आप जैसे बटन दबाते हैं तो कई कई माइक्रोफोन में आपको यहाँ पे ऑडियो में ही आवाज़ सुनने को मिलती है खटपट सी, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। और साथ में ये रबराइज बटन दोस्तों लॉन्ग लाइफ रहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आता है छोटा सा IR सेंसर। बेसिकली दोस्तों ये IR सेंसर किस काम में आता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ अगर हम नीचे की साइड चलेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है रबड़ ग्रिप। रबड़ ग्रिप देने का मतलब यह है कि दोस्तों अगर बाई चांस ये गिरे तो यहाँ पे डैमेज होने के कम चांसेस रहते हैं। यहीं दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऊपर की साइड भी आपको एक रबड़ ग्रिप देखने को मिलती है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। और ये आ जाती है दोस्तों इसकी ग्रिल की क्वालिटी। और यहाँ पे अगर मैं इसका हेड ओपन करके दिखाऊँ, और ये आप इसकी किट है जो यहाँ पे उसकी क्वालिटी को मेंशन देख सकते हैं। और दोस्तों यही अगर मैं नीचे से ओपन करूं तो यहां से आप इसको कुछ इस टाइप से देख सकते हैं।
इसके अंदर बेसिकली दोस्तों डबल ए सेल्स डलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ए वाला है, और यहीं दोस्तों आप बैक साइड देख सकते हैं तो इसके अंदर आपको ये स्विच देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे ये छोटा सा स्विच आपको देखने को मिल रहा है एल और एच मोड। तो ये दोनों बेसिकली एल और एच मोड क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको इस डिस्प्ले के अंदर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से चैनल पे चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है, यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर भी मेंशन कर रखा है और ये सारी की सारी डिटेल। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे देखिए म्यूट करूँगा तो ये म्यूट का भी अनम्यूट का भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि म्यूट है या अनम्यूट है, तो इससे सिंगर को काफ़ी अच्छे से जानकारी मिलेगी कि ये माइक्रोफोन ऑन है या ऑफ है। तो दोस्तों अभी तक आपने यहाँ पे देखी माइक्रोफोन की क्वालिटी और यहाँ पे हमारे रिसीवर की क्वालिटी। साथ में दोस्तों अगर मैं एक बात और आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पे ये माइक्रोफोन जो है वो पूरा का पूरा मेटल में बनाया गया है, तो ये बिल्कुल हैवी क्वालिटी के अंदर यूज़ करा गया है सारा इसके अंदर जो भी मटेरियल है। और यहाँ पे कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा यार ये चीप क्वालिटी का हमें मटेरियल यूज़ करके दे दिया गया है, और यहाँ पे पकड़ने के बाद यहाँ पे प्रीमियम सी आपको फीलिंग आएगी, साउंड में रिच क्वालिटी सी आपको फील आएगी। तो यहीं अगर मैं बात करूँ इसको कैसे चलाते हैं, यहाँ पे पेयरिंग कैसे करते हैं वो मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। बाकी जो हमारी जो टेस्टिंग रहने वाली है वो पूरी की पूरी आउटडोर में रहने वाली है, उससे क्या है कि आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है और यहाँ पे ये परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है, साथ के साथ इसके रेंज की भी हम टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों ये ऑन कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों 2 सेकंड के लिए दबा के रखना है और ये ऑन हो चुका है, और यहाँ पे ऑन होने के बाद सबसे पहले आपको ये भी 2 सेकंड के लिए दबा के रखना है, तो ये भी आपको ऑन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और यहीं आप ये देख सकते हैं इसको अगर हम पेयरिंग करना चाहे तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको इसको पेयरिंग करना है तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, ये आता है हमारा चैनल 148, तो आपको ये देखिए सीधे ये एक्ट वाले बटन पे दबाना है और ये पेयर हो जाएगा। यहीं अगर हमारा ये वाला भी पेयर नहीं है तो वो भी आपको एक्ट वाले बटन पे दबाना है, ऑटोमेटिकली ये पेयर कर लेगा, ये भी पेयर हो गया। तो ऐसे होता है दोस्तों बहुत ही इजी। बाकी मैं आपको आउटडोर में समझाता हूँ कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। बाकी इसकी जो कंपनी ने हमें रेंज की गारंटी दी है वो दी है दोस्तों 100 मीटर, कोशिश करेंगे इससे ऊपर ले जाने की और यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस इसकी पीक पावर तक हम इसको लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये कंपनी ने हमको क्लेम कराया है कि 10 घंटे की आपको बैटरी बैकअप मिलती है, जो कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इंट्रो में बताया था कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बैटरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ले लेकिन क्वालिटी तो कम से कम दे। तो यहीं पे दोस्तों आपको ये बैटरी लाइफ के साथ क्वालिटी भी मिलती है, तो 10 घंटे की आपको बैटरी लाइफ मिल जाती है। यहीं दोस्तों इसके अंदर कुछ और फीचर के बारे में बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा अपने आप ही, कोई भी अगर फ्रिक्वेंसी बिगड़ती है इसकी तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा यहीं पर। बाकी आपको इसके अंदर एल और एच मोड दोनों मिलते हैं, तो बेसिकली दोस्तों ये हाई और लो मोड कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसका काम क्या है, तो दोस्तों इसका काम ये है बाय चांस जैसे कि आप भीड़भाड़ इलाके में हैं तो यहाँ पे कट सकता है इसका सिग्नल, अगर हो लग रहा है कि आपको यहाँ पे सिग्नल लॉसेस के कुछ ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं तो यहाँ पे आप एच मोड का यूज़ कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है जैसे स्टेज पे कोई सिंगर गा रहा है या ये माइक्रोफोन यूज़ हो रहा है स्टेज पे और आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप इसको एल मोड पे चलाइए, परफॉर्मेंस कमाल की मिलेगी और बिंदास चलाइए। और तकरीबन इसकी बैटरी जैसे कि मैंने बताया 10 घंटे, तो यहाँ पे बढ़िया बैटरी बैकअप हमें इसके साथ भी देखने को मिल जाता है। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे अभी हम इसकी आउटडोर टेस्टिंग करेंगे, तो यहाँ पे मैं आउटडोर में आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी, साथ में इसकी रेंज टेस्टिंग, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे आउटडोर में, आउटडोर में जैसे कि मैंने आपको बताया टेस्टिंग हम करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ हमारे माइक्रोफोन कैसे ऑन होंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ से हमें ये ऑन करना है सिर्फ 2 सेकंड के लिए, और ये जो ऑडियो है अभी आप यहाँ इस मॉनिटर से सुन पा रहे हैं, और ये वाला भी माइक ऑन हो चुका है, 1 माइक एंड 2 माइक। तो ये जो ऑडियो अभी है वो आपको हमारे मॉनिटर से मिल रही है, और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि आपको ये जो ऑडियो है वो डायरेक्ट यहाँ से निकाल के आपको कैमरे तक दी जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये वाली वायर यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें आप पीछे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिक्स आउट है, मिक्स आउट से मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट आउटपुट दे दूँगा हमारे कैमरा के अंदर, तो इससे जो क्लियरिटी होगी वो आपको विदाउट मिक्सर वाली मिलेगी, बिल्कुल प्लेन मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि यहाँ पे साउंड के लेवल बढ़ा दिया है घटा दिया है, तो बिल्कुल डायरेक्ट आउटपुट आपको मिलेगी। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं, और ये वाली जो वायर मैंने आपको जैसे कि बता रहा था कि ये आपके देखिए कैमरे में सीधे जा रही है। तो चलते हैं यहाँ पे मैं आपको रेंज की टेस्टिंग दिखाता हूँ और एक बार ऑडियो लेवल दिखा दूँ, और यहाँ पे आके आप ऑडियो लेवल को देख सकते हैं। ये आ जाता है A1 2 चेक, हेलो 1 2 चेक,
हेलो, चलते हैं और देखते हैं अभी हम अपनी रेंज की टेस्टिंग। और ये दोनों माइक्रोफोन मेरे हाथ में हैं, क्वालिटी आई होप आपको बहुत ही बढ़िया मिल रही होगी और यहाँ पे परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी मिल रही होगी। चलते हैं, हम दूर तक जाने की कोशिश करते हैं और कैसा परफॉर्मेंस करता है वो भी हम देख लेते हैं। हेलो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कराया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे हाथ में ये माइक्रोफोन है, ए माइक्रोफोन हो गया, ये वाला बी माइक्रोफोन हो गया और ये आप क्वालिटी को देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आई थिंक मैं हूँ, ये मेरे जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये है तकरीबन 60 मीटर तो होगा, ये मैं यहाँ पे 60 मीटर पे खड़ा हो चुका हूँ। चलते हैं थोड़ा और दूर। हेलो, 1 2 चेक, हेलो हेलो, 1 2 चेक, हेलो। और मैं वापस आता हूँ, प्रॉपर मैं 120 मीटर तक गया हूँ, उससे आगे रेंज मतलब रेंज क्या इसकी तो रेंज मुझे और ज़्यादा लग रही है, बट गली ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पे मैं वापस आता हूँ। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करी थी मैंने और बिल्कुल ये खरा उतरा है मेरे जितना मैंने इससे सोचा था कि ये क्वालिटी दे देगा। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी आपको दे देगा। और जो ऑडियो क्रिस्प है, इसकी ऑडियो जो मतलब क्रिस्पीनेस है वो बहुत ही अच्छी है, सिंगर को बहुत ही पसंद आती है इस टाइप की ऑडियो। तो मतलब अब अगर आप ये माइक्रोफोन ले लेंगे तो आप चाहें तो इसके साथ कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी आप कहीं भी दिक्कत नहीं देने वाला है ये। ओवरऑल ये पैकेज काफ़ी आपके लिए अच्छा है। इसके अंदर मेरे ख्याल से 3 से 4 पैकेज आते हैं, टाई वाला भी आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और गाइस मैं वापस आ चुका हूँ फाइनली। ये क्वालिटी आपने देखी हमारे NLF माइक्रोफोन की। चलते हैं यहाँ पे और हम डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग? मुझे उम्मीद है पसंद ही आई होगी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा इस माइक्रोफोन ने, जैसा कि दोस्तों आपने देखा। और यहाँ पे क्वालिटी थी, मधुर थी और साउंड में जो क्रिस्पीनेस थी वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा दे रहा था। यहाँ पे वाक्य में अगर आप सिंगर को देंगे तो आपकी तारीफ ज़रूर करेगा, यहाँ पे साउंड की तारीफ ज़रूर करके जाएगा। ये मुझसे लिख के ले लीजिए दोस्तों। और मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ ये माइक्रोफोन। और अगर आप अभी तक परेशान हो रहे थे रेंज से, क्वालिटी से, परफॉर्मेंस से, बैटरी लाइफ से, ये लीजिए दोस्तों, ये है वो माइक्रोफोन। आपके माइक सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे ये इस पैकेज के अंदर है, इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा वो मेरे लिए मायने रखता, तो जरूर नीचे कमेंट बताना। अब बात करते हैं कुछ और डिटेल के बारे में, वारंटी गारंटी। तो दोस्तों ये 5 ईयर वारंटी के साथ आता है। यहाँ पे 5 ईयर वारंटी में क्या क्या कवर है वो ध्यान से सुन लीजिए। 5 ईयर वारंटी में दोस्तों कवर है फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, यानी आप इसको तोड़े ना। इसके अलावा इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है, रेंज, फॉल्ट, चाहे जल जाए, चाहे यहाँ पे कुछ भी खराब हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ठीक करके दिया जाएगा। ये 5 ईयर वारंटी में कवर है, कोई भी मार्केट के अंदर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 5 ईयर वारंटी के साथ ये सारी चीज़ें कवर करके आपको दे। तो फिजिकल डैमेज नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ठीक करके दिया जाएगा 5 साल के अंदर अंदर। बाकी दोस्तों ये मैं बिल्कुल से बिल्कुल रिकमेंड कर रहा हूँ और क्या चाहिए प्रोडक्ट में। और साथ में दोस्तों यहाँ पे कॉम्बो में आते हैं, यानी अभी जो मैंने आपको ये वाला मॉडल दिखाया है वो आपको ड्यूल हैंड वाला मिलता है। यहीं अगर आपको इसके साथ ड्यूल टाई वाला चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। यहीं इसके साथ अगर आपको हैंड प्लस टाई, यानी सिंगल हैंड और सिंगल टाई के साथ चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगा। यहीं अगर आपको ड्यूल हैंड प्लस ड्यूल टाई भी चाहिए, यानी 2 हैंड भी चाहिए और 2 टाई के साथ चाहिए, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। प्राइसिंग दोस्तों यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, ये शो रहा होगा HVN कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया के यहाँ पे, तो आप इनसे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। NLF के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, गुजरात महुआ में, तो ये HVN कंपनी का आपको कॉन्टैक्ट शो रहा होगा, तो जाके आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और प्राइसिंग डिटेल भी जान सकते हैं। बाकी आपके स्टेट का जो डीलर है वो यहीं से आपको पता लग जाएगा कहाँ से अवेलेबल होगा, वो भी डिटेल यहीं से ले सकते हैं। बाकी जो वारंटी कवर होगा वो भी सर्विस सेंटर इसी एड्रेस पे आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, इस चैनल को जो सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।